साधु की झोपड़ी। एक गांव के पास दो साधु अपनी अपनी झोपड़ियां बनाकर रहते थे। दिन के वक्त वह दोनों गांव जाकर भिक्षा मांगते और उसके बाद पूरा दिन पूजा पाठ करते थे। एक दिन भारी तूफान और आंधी आने के कारण उनकी झोपड़ियां जगह जगह से टूट फूट गईं और बहुत हद तक बर्बाद हो गई। पहला साधु यह सब देखकर वह दुख के मारे बिलाप करने लगा और बोला, हे ईश्वर, तूने मेरे साथ यह अनर्थ क्यों किया? यह सब देखकर क्या मेरी भक्ति तप के मारे और पूजा करने लगा, यही पुरस्कार और है? बोला, इस तरह अब वह पूरा दिन बड़बड़ाते हुए अपना जीव जलाते हुए ईश्वर वही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ दूसरा साधु आ पहुँचा। यह अनर्थ क्यों किया? उसने अपने बर्बाद झोपड़ी को देखा तो क्या मेरी भक्ति, वह मुस्कुराने लगा। तब जब और उसी वक्त ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगा। पूजा का यही पुरस्कार है, ये पुरस्कार दिया है। तूफान में तो पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, पूरा दिन तो बड़बड़ाते हुए आधी झोपड़ी बचा ली। आज यह बात सिद्ध हो गई कि तू मेरी भक्ति से कितना प्रसन्न है। वही एक पेड़ के और तेरी मुझ पर नीचे कितनी बड़ी कृपा है। ठीक। और फिर मन ही मन सोच ही रहा था कि दो क्या करें, क्या करें, बुरा निष्कर्ष तभी वहाँ दूसरा साधु आप या अच्छा अर्थ निकालना या आपके हाथ में है। तो उसने अपने बर्बादी जोड़ी देखी। पसंद आई हो या पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।